हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक कंसेप्ट्स पे। तो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी गो एंड फॉलिंग ए स्टार, जो पोइम है उसके कवि के बारे में हमने बात की थी, पोइट के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटली गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। इस पोइम का हम एनालिसिस करने वाले हैं और इसके फैक्ट्स है वो देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पोइम को आज। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको पोइट के बारे में जानना हो तो पिछली वीडियो हमने पोइट के बारे में बनाई थी, जो पहला पार्ट था इसका, जो कम्प्लीटली पोइट के बारे में है। और कुछ क्वेश्चन अगर बाकी है तो अगली वीडियो में आ जाएंगे। तो इस पोइम को लिखा था जॉन डन ने। कौन से साल में उनका जन्म हुआ था? 1572 में उनका जन्म हुआ था और 1631 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जोकोबियन एज से रिलेटेड पोइट थे। और इसके बाद देखते हैं इस पोइम के बारे में, इस पोइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। इस पोइम में जो टोटल लाइंस है 27, टोटल 27 लाइंस है इस पोइम में। और इसमें टोटल स्टेंजाज कितने हैं? टोटल स्टेंजाज 3, मीन्स 3 स्टेंजा है, और प्रत्येक स्टेंजा में 9 लाइन है, 9 लाइंस ईच। और इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है? ए बी सी सी डी डी डी। और ये किस तरीके से है ये मैं जब पोइम आपको बताऊंगा तो उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कि दिस पोइम वॉज पब्लिश पोस्थ्यूमसली इन 1633। तो जॉन डन की मृत्यु कब हुई थी? 1631 में हुई थी। और ये पोइम है ये कब पब्लिश हुई थी? 1633 में पब्लिश हुई थी। इन द वॉल्यूम नेम्ड, और किस नाम से वॉल्यूम में, किस नाम के वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई थी? सॉन्ग्स एंड सनेट्स नाम की जो वॉल्यूम है उसमें, बुक है उसके अंदर ये पब्लिश हुई थी। और सॉन्ग्स एंड सनेट्स में कुल कितनी पोइम्स थी? 55 पोइम्स थी। देर आर 55 पोइम्स इन सॉन्ग्स एंड सनेट्स। ये जो सॉन्ग्स एंड सनेट्स टाइटल है बुक का, इसके अंदर कुल 55 पोइम थी। इसके बाद है, अब चलते हैं स्टेंजा वाइज जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो पहला स्टेंजा है, ओपनिंग लाइन से उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो स्टेंजा है इसमें सबसे पहली लाइन है वो क्या है? गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। सबसे पहले तो देखो, तो इसकी जो पहली लाइन है इसी को टाइटल बनाया गया है। और मोस्टली क्या होता था पुराने समय में, कोई भी अगर पोइम होती थी उसका टाइटल सूटेबल नहीं लगता था तो जो पहली लाइन होती थी उसी को क्या बना लिया जाता था? टाइटल बना लिया जाता था। तो ये तो है इसका टाइटल, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। और इस पोइम के अंदर मोस्टली 7 इम्पॉसिबिलिटीज़ बताई गई हैं, 7 इम्पॉसिबल टास्क की बात की गई है जो वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मतलब करना मुमकिन ही नहीं है। और उसके बाद देखो जो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार है, ये फर्स्ट इम्पॉसिबिलिटी है। किसी भी टूटते हुए तारे को हम नहीं पकड़ सकते, ये सबसे बड़ी इम्पॉसिबिलिटी है। और इस पोइम में मेनली बात की गई है विमेन की इनफेडिलिटी पे, विमेन की फैथलेसनेस पे, इस पे बात की गई है। तो सबसे जो पहली लाइन है वो क्या बताती है? गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ये रीडर्स को इस तरीके से ये बताती है कि जो पहली लाइन है वो इम्पॉसिबल टास्क है, किसी के लिए भी किसी भी तरीके से हम इसको अचीव नहीं कर पाते हैं। अब उसके बाद है जिस तरीके से हम इस एक गिरते टूटते हुए तारे को नहीं पकड़ सकते, इसी तरीके से हम एक फेयर विमेन को नहीं पा सकते। और जब तक हम उसको पा लेंगे और उस समय वो फेयर होगी तो थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो ये है सबसे पहला इम्पॉसिबल टास्क। इसके बाद है दूसरी लाइन, क्या कहती है? गेट विद चाइल्ड ए मेंड्रेक रूट, गेट विद चाइल्ड ए मेंड्रेक रूट। अब जो मेंड्रेक क्या है? मेंड्रेक एक पौधे का नाम है, जहरीला पौधा है। और उसको जब उखाड़ते हैं तो उसके नीचे की जो जड़ें हैं वो एक बिल्कुल इंसान की तरह लगती हैं, जिस तरीके से उसकी टांगे हो, हाथ हो, एब्डोमेन पेट हो, तो ये सारा कुछ उसमें नज़र आता है। और उससे एक बच्चा पैदा करना, ये इम्पॉसिबिलिटी है, ये दूसरी इम्पॉसिबिलिटी है। क्या कोई मैंड्रिक रूट से किसी बच्चे को पैदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता।
उसके बाद तीसरी इम्पॉसिबिलिटी है, टेल मी वेयर द ऑल पास्ट ईयर्स आर, हमारे जो सारे पास्ट ईयर्स है, बीते हुए साल है, वो कहाँ चले गए, हमें कोई पता नहीं है और न ही कोई इसके बारे में बता सकता है। इसके बाद है और हु क्लेफ द डेविल्स फुट, और डेविल के फुट को किसने चीरा, डेविल के पैर को किसने चीरा, राक्षस के पैर को किसने चीरा, दो फाड़ किसने किए, जिस तरीके से बकरी का पैर होता है, बकरी का खुर होता है दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, गाय का खुर होता है दो हिस्सों में बंटा हुआ होता है, उसको किसने चीरा, ये कोई भी नहीं बता सकता है। इसके बाद जो आगे वाली लाइन है, फोर्थ फोर्थ जो इम्पॉसिबिलिटी है वो है, फोर्थ हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। फिफ्थ इम्पॉसिबिलिटी है टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। मरमेड क्या होती है, जल परी होती है, और जो मरमेड होती है उसका ऊपरी हिस्सा विमेन का होता है और जो नीचे का हिस्सा होता है वो मछली का होता है। अब उसके सिंगिंग को, उसे सिंगिंग कौन सिखा सकता है, उसे सिंगिंग कोई नहीं सिखा सकता है, ये एक हरकुलिन टास्क है। हरकुलिन टास्क मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है जो किया ही नहीं जा सकता। इसके बाद देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि एक मरमेड को सिंगिंग सिखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, कोई सिखा ही नहीं सकता है। मरमेड क्या करती है, किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, किस लिए, मारने के लिए। और मरमेड सिंगिंग है, इसका जिक्र किस किस में हुआ है, ग्रीक माइथोलॉजी में हुआ है, इसका जिक्र ग्रीक माइथोलॉजी में हुआ है। और जो क्या करती है, हियर द सायरन सॉन्ग एंड रिमेन अलाइव, जो सायरन सॉन्ग्स है उसको मतलब लोगों को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद है सिक्स्थ इम्पॉसिबिलिटी, क्या है सिक्स्थ इम्पॉसिबिलिटी, और टू कीप ऑफ एनवाइज स्टिंगिंग, कीप ऑफ एनवाइज स्टिंगिंग, एनवाइज होता है जीलियस, हमारे जो ईर्ष्या होती है, हमारे मन में जो ईर्ष्या होती है, और स्टिंगिंग होता है डंक, जिस तरीके से मधुमक्खी वगैरह ये जानवर वगैरह है डंक मारते हैं, सांप मारते हैं, इसमें कितना जहर होता है, इसी तरीके से जो जेलियस होती है, जलन होती है, एक दूसरे से जलना, तो उसमें भी इतना जहर होता है, उससे दूर रहो, उससे कौन दूर रह सकता है। ये सिक्स्थ इम्पॉसिबिलिटी है। उसके बाद सेवन्थ लाइन और एट्थ लाइन क्या कहती है, एंड फाइंड व्हाट विंड, एंड फाइंड व्हाट विंड, दोनों को सेम तरीके से लिखा गया है लेकिन इनका प्रोनंसिएशन अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे आई राइम का यूज हो रहा है, कौन सी राइम का यूज हो रहा है, आई राइम का यूज हो रहा है। इसके बाद है सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, किस ऑनेस्ट माइंड को सर्व करना, किस ऑनेस्ट माइंड को, किसी को क्या करना, ऑनेस्ट, किसको ऑनेस्ट बनाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के माइंड को ऑनेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, दैट इज ऑनेस्ट। अगर कोई भी है ऑनेस्ट और फेथफुल है, लॉयल है हमारे लिए, ट्रूथफुल है, तो अगले ही क्षण वो हमारे लिए ऐसा नहीं रहेगा। तो ये है सात इम्पॉसिबिलिटीज, सेवन इम्पॉसिबिलिटीज जिनके हमने बात की है। और इसके साथ साथ बता दूं, अगर इसका जो पूरा का पूरा कंटेंट है, पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, जो वेबसाइट है उस पर भी मिल जाएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इसके बाद बात करें इसकी जो दसवीं लाइन है वो क्या कहती है, स्टेंजा सेकंड स्टार्ट होता है, पहला स्टेंजा नौ लाइन तक था, नाइन लाइन तक वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो टेंथ लाइन है वो क्या बताती है, इफ दाउ बेस्ट बोन टू स्टैंड साइट, स्टैंड साइट, स्टेंज होता है विशेष और साइट होता है दृश्य, और दाउ का मतलब है यू, दाउ का मतलब है यू, अगर आपका जन्म स्ट्रेंज साइट देखने के लिए हुआ है, थिंग्स विजिबल इनविजिबल टू सी, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हुआ है जो इनविजिबल है, उनको देखने के लिए, ऐसी चीज़ें जो कोई भी नहीं देख सकता, जिन्हें आप देख सकते हो, तो आप एक काम करना, राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, आप 10,000 दिन और 10,000 रात राइड करना, सवारी करना, क्या करने के लिए, टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक आपके सिर के बाल है स्नो वाइट, क्या नहीं हो जाए, सफेद नहीं हो जाए, भूरे नहीं हो जाए, तब तक आपको क्या करना है,
10,000 दिन और 10,000 रातों तक आपको सवारी करनी है। ये सवारी क्यों करनी है? ये सवारी ट्रू एंड फेयर वीमेन को ढूंढने के लिए। देखो 14th लाइन क्या कहती है, दाउ, फिर दाउ आया, दाउ का मतलब यू होता है, यू मतलब आप। व्हेन यू दाउ रिटर्न्स विल टेल मी, जब आप ये सारा कुछ कर लो तब, और रिटर्न, रिटर्न्स होता है वापस आओ, विल टेल मी तब मुझे बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, जो सारे के सारे वंडर हैं, जो सारे के सारे वंडर हैं वो सारे आपको, आपने देख लिए हैं, आपको मिल गए हैं। और ये आप कसम खाना कि जहां भी आपने इनको पाया है और जहां भी आपको ट्रू और फेयर और एक सच्ची औरत मिली है, और कसम खाना और आप मुझे बताना। परंतु नो वेयर लिव्स अ वुमेन ट्रू एंड फेयर, ऐसी वुमेन कहीं भी नहीं मिलेगी जो आपके लिए सच्ची हो और आपके लिए सत्य हो और आपके लिए लॉयल हो। अब तीसरा स्टेंजा है, 18 लाइन कंप्लीट हो चुकी है दो स्टेंजा में, प्रत्येक स्टेंजा में 9 लाइन थी। इफ दाउ फाइंडेस्ट वन, अगर आपको ऐसी मिल भी जाती है, लेट मी नो, मुझे बताना, सच ए पिलग्रीमेज वर स्वीट, पिलग्रीमेज होता है तीर्थ यात्रा, तो उस औरत को तीर्थ यात्रा के समान स्वीट कहेंगे। येट डू नॉट, अभी तक नहीं मिलेगी। आई वुड नॉट गो दो एट द नेक्स्ट डोर वी मेट, जब तक हम उसे अगले डोर पर मिलेंगे। दाउ सी वर ट्रू, जो क्या थी, ट्रू थी। वैन यू मेट हर, जब आप पिछली बार उससे मिले थे। एंड लास्ट, और अंत में, टिल यू राइट योर लेटर, जब तक आप उसे कोई भी लेटर लिखोगे। येट सी विल बी फॉल्स एरे आई कम टू और थ्री, जब तक आप उसे लेटर लिखोगे तब तक वो दो या तीन मित्र बना चुकी होगी। तो ये है पोइम का बेसिक थीम है, बेसिक आइडिया है। और अब इसके देखेंगे अदर फैक्ट्स देखेंगे। इस पोइम का दूसरा नाम है, सॉन्ग भी बोलते हैं इसको, लैरिक भी बोलते हैं। इसके बाद देखेंगे जो पोइम का स्टाइल है वो कैसे है। द स्टाइल ऑफ द पोइम इज कॉलिकियल, कॉलिकियल होता है बात तो नहीं होता है, आपस में बात हो रही है पोइट की और जो लिसनर्स है उनकी। द पोइट हैज मिसोगाइनिस्टिक व्यू इन दिस पोइम, और कवि ने इस पोइम के अंदर क्या किया है, मिसोगाइनिस्टिक व्यू है जो अपने एक्सप्रेस किए हैं। मिसोगाइनिस्टिक व्यू क्या है, स्त्री के प्रति हेट। अब इस पोइम की थीम क्या है, अब इसकी पोइम की थीम है, इनको चार प्रकार से बता सकते हैं, विमेन्स इनकंस्टेंसी, विमेन्स इनफिडेलिटी, विमेन्स फैथलेसनेस, द फिकलनेस ऑफ विमेन। मतलब कहने का मतलब है स्त्री के द्वारा किया गया विश्वासघात, स्त्री से विश्वास हट जाना। उसके बाद है, इन दिस पोइम द पोइट एक्सप्रेसेस डिस्टर्स्ट डिस्ट्रस्ट इन हिज बिलव्ड और वेमन काइंड, और जो पोइट है इस कविता में क्या करता है, अपनी प्रेमिका, अपनी वाइफ के प्रति और जो स्त्री जाति है इसके प्रति क्या करते हैं, अपने अविश्वास को प्रकट करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ फेथफुल एंड ट्रू वुमन एज टू कैच अ फॉलिंग स्टार, जिस तरीके से एक टूटते हुए तारे को हम नहीं पकड़ सकते, उस तरीके से हम एक ट्रू और फेथफुल वुमन है उसको नहीं ढूंढ सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द ह्यूमन नेचर, और न ही हम किसी ह्यूमन के नेचर को बदल सकते हैं। द मेटाफिजिकल पोइट्स लाफ्ड एट वीमेन्स फैशन वीकनेस एंड फैथलेसनेस, मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो वीमेन्स के फैशन पे, उनकी वीकनेस कमजोरी पे एंड फैथलेसनेस है उन सब पे वो हंसा करते थे। दिस पोइम हैज सीनिकल सेटायरिकल, सीनिकल और सेटायरिकल एटीट्यूड एंड टोन, इसकी टोन क्या है, सीनिकल और सेटायरिकल है, सेटायर व्यंग्य कसना किसी पे, सीनिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी। दिस पोइम हैज़ यूज्ड एक्सटेंडेड मेटाफिजिकल कंसीट्स ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एंड ह्यूमरस एटीट्यूड, इन सभी चीज़ों को इस पोइम में यूज किया गया है। अब देखो
कुछ अदर फैक्ट्स है, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स टिल एज स्नो वाइट हेयर ऑन दी। तो इसमें हाइपरबली का यूज हुआ है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल या ग्रीक मैथोलॉजी, मरमेड्स वर हाफ फिश और हाफ वीमेन। क्लासिकल और ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग मरमेड्स क्या होती थी, आधी मछली हुआ करती थी और आधी वीमेन हुआ करती थी। इसके बाद मीन बाई मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का मतलब क्या है? द वर्ड मेटा मीन्स आफ्टर और अबव। मेटा का मतलब होता है आफ्टर, बाद में या ऊपर। एंड द वर्ड फिजिकल मीन्स रिलेटेड टू फिजिकल, शारीरिक। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल कैन बी आफ्टर अबव द फिजिकल, आफ्टर द फिजिकल या अबव द फिजिकल। मेटाफिजिक्स बेसिकली कांट बी एक्सप्लेन्ड बाई साइंस, और मेटाफिजिक्स है इसको साइंस के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट्स नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज फिलोसफिकल, और इसका समझने की जो नेचर है वो दार्शनिक है, फिलोसफिकल है। अब देखेंगे कुछ मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में, कौन कौन है मेटाफिजिकल पोइट्स जिन्हें कहा जाता है। तो मेटाफिजिकल पोइम में सबसे ऊपर नाम आता है वो जॉन डन का आता है, एक नंबर पे। जॉर्ज हर्बर्ट, क्योंकि ये जो जॉन डन थे ये पाइनियर थे मेटाफिजिकल पोइट्री के। उसके बाद है जॉर्ज हर्बर्ट है, एंड्रयू मार्वेल है, अब्राहम कोली है, रिचर्ड क्रेशू है, थॉमस त्रिहाने हैं, हेनरी वुहान है, ये सब मेटाफिजिकल पोइट्स थे। इसके बाद जो सेवन इम्पॉसिबल टास्क है इनको वापस से फिर रिपीट कर लेते हैं। टू कैच फॉलिंग स्टार, एक तारे को पकड़ना, टूटते हुए तारे को पकड़ना। गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, एक मैंड्रेक एक पौधा होता है उसके रूट से बच्चे पैदा करना। वेयर द पास्ट ईयर्स हैव गोन, और जो पिछले बीते हुए साल है वो सारे कहाँ चले गए। हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, डेविल के फूट को किसने चीरा। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, और मरमेड किस, टीच मी हियर मरमेड सिंगिंग, मरमेड सिंगिंग सुनना सिखाएं। टू कीप ऑफ एनविस स्टिंगिंग, एनविस स्टिंगिंग जेलिस की स्टिंगिंग डंक से दूर रहना। व्हाट विंड, ऐसी कौन सी हवा है जो किसी व्यक्ति के माइंड को ऑनेस्ट कर देती है, उसके अंदर कैपेबिलिटी भर देती है। इसके बाद है अदर वर्क्स ऑफ जॉन डन, जॉन डन के दूसरे कौन कौन से काम हैं, मतलब कौन कौन से पोइम लिखी है, तो ये सब हैं, ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो आज की ये थी पोइम और ये था सेशन। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।